नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। मध्य प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री मिल गया है अब, और उम्मीद के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन जिस नाम पर मोहर लगी है उसका नाम भी अटकलों में नहीं था। जी हाँ, उज्जैन दक्षिण से विधायक बने मोहन यादव को पार्टी आला कमान ने मुख्यमंत्री बना दिया है। 58 साल के हैं मोहन यादव, खासे पढ़े लिखे विधायक हैं। उन्होंने BSc, LLB, MA, MBA और PhD तक शिक्षा ली है। हालांकि वो पेशे से कारोबारी हैं, छात्र जीवन से संघ के करीब रहे हैं। मोहन यादव 1984 में ABVP उज्जैन से नगर मंत्री और 1986 में विभाग प्रमुख रह चुके हैं। इसके बाद 1988 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश महामंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 2013 में पहली बार विधायक बने, उसके बाद 2018 में दूसरी बार चुनाव जीतकर वे उच्च शिक्षा मंत्री बने। मोहन यादव उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मोहन यादव के नाम के ऐलान के बाद उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का घोषणा हुई है, निश्चित राष्ट्रीय नेतृत्व ने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा और वो कोई नए नेता नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने काम नाम चला काम करते हुए आ रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है। मैं गोविंद नायक साजापुर उज्जैन संभाग से हूँ और मोहन यादव नए नेता नहीं है, विद्यार्थी परिषद और संघ से बचपन से काम करते हुए से विधायक हैं और बहुत मजबूत विधायक हैं। इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश चहुंमुखी विकास करेगा। जिस तरह से नए चेहरे पर मोहर लगाई गई, कैसा? बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, नए चेहरे पुराने चेहरे नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है, कोई नया चेहरा नहीं है। तो डॉक्टर मोहन यादव का विवादित बयानों से बड़ा लंबा नाता रहा है। यही वजह है कि वो मीडिया में हमेशा ही चर्चाओं में बने रहते हैं, एक बड़ा विषय बन जाते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने उपचुनाव 2020 में असंयमित भाषा का उपयोग करने पर एक दिन के लिए प्रचार करने से प्रतिबंधित उन्हें कर दिया था। 2021 में मोहन उस समय विवादों में फिर से आ गए थे जब उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के कानून को लेकर बयान दे दिया था। कानून में कहा यह गया था कि जिस छात्र के नाम आपराधिक रिकॉर्ड हैं उन्हें कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि बाद में कानून को वापस लिया गया। इस कानून को लेकर मोहन यादव ने कहा था कि अगर कोई नेता लोकसभा विधानसभा में चुनाव लड़ सकता है तो एक छात्र कॉलेज में प्रवेश क्यों नहीं पा सकता। इसके अलावा माँ सीता को लेकर उनका विवादास्पद बयान खासी सुर्खियां बटोर चुका है। उज्जैन के मास्टर प्लान को लेकर मोहन यादव पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस का आरोप ये था कि मंत्री और उनके परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान को गलत तरीके से पास कर दिया गया, पर मोहन यादव ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। सुनिए मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद उन्होंने क्या कहा। अपने मन से वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ये होती जोरदार ताली बजाए, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आज सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। बीजेपी के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले और मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत के नायक बनकर उभरे हैं। प्रदेश में पार्टी को दो तिहाई बहुमत मिला है, 230 में से 160 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं, वहीं कांग्रेस 65 सीटों पर सिमट गई है। हालांकि इस जीत में बीजेपी की कई झटके भी बीजेपी को लगे, बीजेपी के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए। शिवराज कैबिनेट के 12 मंत्री चुनाव हार गए थे, इसमें सबसे बड़ा नाम था गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का।